एक काम कर बेटा, पकड़ के रख उस लड़के को, हाथ से जाने मत दे उसे। पापा, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो तैयार कर उसे, जान से मारने की धमकी दे उसे, बोल उसको मैं तुझे तबाह करके ही रहूंगी। क्या मुझे ऐसा करना चाहिए? अगर मैं तुझसे कहूँ कि उसे भूल जा, छोड़ दे उसे, आगे बढ़ जा, क्या मेरी ये बात मानेगी तू? कभी कभी किसी का दिल और दिमाग एक ऐसे विकृत जज्बात का गुलाम बन जाता है कि जहां किसी को खो देने का डर सही और गलत के बीच की लकीर मिटा देता है और साथ में खो जाता है मानसिक संतुलन। और इसी वजह से ना तो समझदार विचार और ना ही समझदार लोग इस उत्तेजित दिमाग को शांत कर पाते हैं। इन हालात में यह बेहद जरूरी हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति के करीबी लोग सतर्क रहें उन भावनाओं के सैलाब से जो एक टूटे दिल और घायल दिमाग के अंदर कोलाहल मचाते हैं, और यह कोलाहल एक घातक विस्फोट बनकर कई जिंदगियों को तहस नहस कर सकता है। हार पसंद आया बेटी? ठीक है। अच्छा प्रीति, तू इस शादी से आलोक से खुश तो है ना? हाँ पापा। आलोक, चलिए ये अपनी बुआ चाची सब के यहाँ दे आओ। मैंने फोन पे उन्हें इनवाइट कर लिया, लेकिन ये पहुँचना बहुत जरूरी है। ठीक है पापा जी। जी जी पापा जी, एक बार ही फाइनल बोल दो, घोड़ी मंगानी नहीं मंगानी है। मेरा कम से कम शोर, कम से कम दिखावा, तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी तो करके जाओ। पापा बहुत लेट हो गई हूँ, कैंटीन से कुछ खा लूंगी। अरे प्रगति। हाँ पापा, मुझे भी लेट हो रहा है। कोई स्लो मोशन, थोड़ा जल्दी चल यार, अगर रिक्शे चले गए ना तो बैलगाड़ी भी नहीं मिलेगी। हवा तो शादियों वाली चल रही थी, पर बादल हर किस्म के छा रहे थे। कोई आने वाले मीठे कल के इंतजार में खो रहा था, तो कोई बीते कड़वे कल के मातम में रो रहा था। कुछ रिश्ते बनने जा रहे थे, तो कुछ जिंदगियां बिखरने जा रही थी। कोई मुझे भी बताएगा क्या हुआ है? प्रकृति कॉलेज से अभी तक वापस नहीं आई है। तो उसकी कोई एक्स्ट्रा क्लास वगैरह होगी कॉलेज में? पर पापा, प्रकृति का फोन पिछले 2 घंटे से स्विच ऑफ है और फोन भी नहीं लग रहा है। उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। वो चार्जर साथ लेकर गई है, और आजकल कॉलेज में हर किसी के पास चार्जर होता है। वो कहीं भी, तेरे पास उसकी सहेली पूजा का नंबर है ना? हाँ नमिता दीदी, बोलिए। पूजा तू घर पर है? हाँ दीदी, मैं तो घर पे ही हूँ। क्यों, क्या हुआ? प्रगति कहाँ पर है? कहाँ है मतलब? प्रगति कॉलेज से अभी तक घर नहीं लौटी है। ऐसे कैसे? वो दोपहर के 2 बजे निकल चुकी थी कॉलेज से। पर तू जा कहाँ रही है? बस एक छोटा सा काम है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है जो तू मुझे नहीं बता सकती? अरे यार, कल आके बताऊंगी ना। चल बाय। ओके बाय। वो किसके साथ गई है, कहाँ पर गई है, कुछ बता कर गई है वो? नहीं, कुछ नहीं बताया दीदी। माँ, पूजा कह रही है कि प्रगति कॉलेज से 2 बजे ही निकल गई है किसी काम से, पर कहाँ पर गई है, किसके साथ गई है, उसे भी नहीं पता। कुछ तो सही नहीं है। नारायण जी, कोई लड़के का चक्कर? जी नहीं।
हमारी प्रगति का कोई चक्कर वक्कर नहीं है। हम पुलिस वालों को डॉक्टर की तरह समझिए, हमसे कुछ छुपाएगा नहीं, ना ही किसी बात को लेकर डरिएगा। डर तो मुझे है कि प्रगति के साथ कुछ हुआ ना हो। प्रगति को कुछ कौन करेगा नारायण जी, कुछ पहचान वाला? आप लोग जानते हैं कि हम जानते हैं कि आप लोग कुछ ऐसा जानते हैं, लेकिन बोल नहीं रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने सारे रिश्तेदारों, प्रगति की फ्रेंड पूजा, सबको फोन किया, वो वहां पर भी नहीं है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बिना बोले चली गई हो। पर सच तो यही है कि बिना बोले वो कहीं चली गई है, और आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। आप लोग के पास कोई फोटो है प्रगति का? हाँ, मेरे पास फोन में है, मैं आपको सेंड करती हूँ। राजपूत, ये फैमिली जब अपना मुंह खोलेगी तब खोलेगी, लेकिन हम अपना खाता खोलते हैं। नाम प्रगति नारायण राठौड़, उम्र 22 साल, LMS कॉलेज से दोपहर 2 बजे निकली थी, उसके बाद से लापता है। हर पेट्रोल टीम को इन्फॉर्म करो, इलाके के सभी हॉस्पिटल्स में चेक करो, सबको फुल अलर्ट पे रखो। फोटोग्राफ्स और बाकी डिटेल सभी थानों में भेजी जा रही। मुझे डाउट है, शायद ये लड़की अपनी मर्जी से किसी के साथ कहीं चली गई। सर, फैमिलीज ये क्यों नहीं समझती है कि बात छुपाने से बात और बिगड़ सकती है? राजपूत, इन 3 शब्दों ने ना जाने कितने लोगों को खामोश कर रखा है, और ये 3 शब्द हैं, लोग क्या कहेंगे। पुलिस ने पूरी रात और अगला पूरा दिन प्रगति को ढूंढा, लेकिन प्रगति नहीं मिली। पुलिस को इस बात का अंदेशा हो चुका था कि प्रगति के घर वाले उनसे कुछ छुपा रहे थे, लेकिन क्या छुपा रहे थे ये उन्हें काफी देर बाद पता चलने वाला था। बहरहाल माहौल तो शादी वाला था, आलोक रघुवंशी प्रीति राणा के साथ विवाह के बंधन में बंध रहा था, लेकिन करीबी बाराती एक खास तनाव में बंधे हुए थे। चले 2 मिनट बस। अरे पिछले 10 मिनट से 2-2 मिनट हो रहे हैं तुम्हारे, सब इंतजार कर रहे हैं, चलो। सुनिए, अब हमें चलना चाहिए। हाँ चले बलदेव। हाँ देवर जी, विकास कहीं दिखाई नहीं दे रहा। उसे किसी काम से बाहर भेजा है, आ जाएगा, वो सीधा लड़की वालों के घर पहुंच जाएगा। मुजफ्फरनगर जी, प्रगति का फोन मुजफ्फरनगर में स्विच ऑफ हुआ है कल। क्या आप लोगों का मुजफ्फरनगर से कोई कनेक्शन है? कोई कनेक्शन नहीं है, प्रगति तो आज तक कभी मुजफ्फरनगर गई भी नहीं। कुछ ना कुछ तो जरूर पता है नारायण जी, लेकिन आप हमें बता नहीं रहे। मेरी बेटी जब कल सुबह कॉलेज के लिए निकली थी तो ठीक ठाक थी। ठीक ठाक होने में और ठीक ठाक दिखने में बहुत बड़ा फर्क होता है नारायण जी, जैसे इस वक्त आपकी आंखें आपकी जबान को धोखा दे रही है। एक बार फिर पूछ रहा हूं मैं आपसे, क्या आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं चली गई है? क्या आपको किसी पर शक है? मेरी बेटी कल से घर वापस नहीं आई है, आप उसे ढूंढ नहीं पाए हैं, ऊपर से वाहियात सवाल पूछ रहे हैं। पापा, प्रगति कुछ पता चला उसका? कहाँ है प्रगति? इसमें कोई शक नहीं था कि परिवार की दीवारों में कई राज छिपे थे, और परिवार वाले एक दूसरे से भी भेद रख रहे थे। प्रगति के पिता नारायण ने 8 मार्च की रात को किसी को फोन कर प्रगति के बारे में पूछताछ की थी।
बोलिए नारायण राठौर जी। गजेंद्र जी, क्या हमारी प्रगति आपके घर में है? ऐसा बेहुदा सवाल पूछने की वजह? कॉलेज से घर नहीं लौटी है मेरी बेटी। कल मेरे बेटे आलोक की शादी है, टेंशन की कमी नहीं है हमारे घर में भी। आप टेंशन की बात कर रहे हैं? आपके बेटे का घर बस रहा है और यहाँ मेरी बेटी की जिंदगी और इज्जत दोनों खतरे में है। आपकी बेटी मेरे घर पर नहीं है और कुछ। आलोक, आलोक बाबा जी, क्या हुआ? अब ठीक तो है ना? बिल्कुल सच सच बता, प्रगति कहाँ है? प्रगति? मुझे क्या पता पापा, क्या बात हुई है? पापा जी आखिर बात क्या है? प्रगति के बाप नारायण राठौड़ का फोन आया था, पूछ रहा था क्या प्रगति हमारे घर पर है, कॉलेज से घर नहीं लौटी अभी तक। पापा जी कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में प्रगति शादी में कोई बखेड़ा खड़ा करने वाली हो? कॉलेज की फ्रेंड का क्या नाम बताया था मिसेज नारायण राठौड़ ने? पूजा सर। लगता है बाप को छुपा रहा है, तो बेटी ने भी जरूर कुछ ना कुछ बाप से छुपाया होगा जो उसने अपनी फ्रेंड को बताया हो। ब्लाउज पूजा। मुझे नहीं पता सर प्रगति किसके साथ गई थी, बस इतना कहा कि उसे कुछ काम है। ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट काम है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? अरे यार कल आके बताऊंगी ना। प्रगति के बॉयफ्रेंड का नाम क्या है पूजा? बॉयफ्रेंड? वो नाम क्या है बॉयफ्रेंड का? प्रगति किसी के साथ गई थी ना सर? उनका तो टूट चुका था। किनका टूट चुका था? प्रगति और आलोक। पूरा नाम? आलोक रघुवंशी। कौन है आलोक रघुवंशी? सर लगभग 9 महीने पहले मुझे एक SMS आया था। UPXX622M गाड़ी का नंबर है, लड़के का नाम आलोक रघुवंशी। तुमने अपनी फ्रेंड को मेरा नाम और कार का नंबर टेक्स्ट कर दिया ना? हाँ। तो इतना टेंशन में क्यों? कुछ भी, मैं कोई टेंशन में नहीं। तो फिर अपना नाम क्यों नहीं बता रही हो? क्या करोगे मेरा नाम जानकर? छोड़ दो आपको? नो थैंक्स। पीक टाइम है, ऑटो मिलेगा नहीं और आप बस मिलेंगे तो चढ़ नहीं पाओगे। आ जाओ। नहीं ऐसा ना, मैं मैनेज कर लूँगी, थैंक्स। अरे इट्स ओके, मैं खाने जाऊँगा आपको, आ जाओ। मुझे लेट हो रहा था तो रिस्क लेके बैठ गई उसकी कार, और सेफ्टी के लिए उसका कार का नंबर और उसका नाम तो मैं SMS कर दी। अच्छा ये बता, कार के नंबर प्लेट के साथ उसका नेम प्लेट भी था क्या कार में? वेरी फनी। Obviously, मैंने पूछा ना, लेकिन अपना नाम नहीं बताया। इनफैक्ट अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। शबाश, पहली मुलाकात में इतना काफी है। हेलो, ये फर्स्ट और लास्ट मीटिंग थी समझी? दिखता कैसा है? सेल्फी ली? पूजा पिटेगी समझी? आपको मेरा नाम मालूम है, आपको मेरी कार का नंबर ही मालूम है, इनफैक्ट आपकी फ्रेंड को भी मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, तो इस हिसाब से मैं बिल्कुल सेफ हुआ। कम आप जो कर रहे हो ना, इसे स्टॉकिंग कहते हैं, पीछा करना। एक तो मैं सामने से लिफ्ट ऑफर कर रहा हूँ और आप इसे स्टॉकिंग बोल रहे हो? आप सबके लिए ऐसी फ्री टैक्सी सर्विस देते हैं और आप सबसे ऐसी टेढ़े मुंह बात करते हो,
स्ट्रेंजर, इतना प्यारा फेस है आपका, स्माइल करती हो कि नहीं? मुझे तो डे वन से पता था ये लव स्टोरी है। कुछ भी हाँ, मुझे नहीं पता था, तुझे कैसे पता था? सच कह रही हूँ यार, पहले तो सिर्फ फ्रेंडशिप थी, फिर इमोशंस जागे और बस होते होते हो गया। होते होते हो गया तो फिर टूटा कैसे? पेरेंट्स। उन्हें कब पता चला? 4 महीने पहले। दोनों के घरों में पता चला? हाँ। दोनों के पेरेंट्स अगेंस्ट थे? हाँ। पर दोनों के बीच प्यार अभी भी है, राइट? मुझे नहीं पता सर, बस इतना जानती हूँ कि कल आलोक की शादी हो गई। प्रगति डिस्टर्ब तो ही होगी। नेचुरली कोई भी लड़की होगी ना सर। कब से? 4-5 महीने से। कुछ बातों को लेके अपसेट तो थी सर वो, बट ज्यादा कुछ बताती नहीं थी। कल रात आलोक की शादी हुई, इसलिए नहीं बताया था क्योंकि आलोक और प्रगति का रिश्ता टूट चुका है। रिश्ता टूटा नहीं था, बल्कि तुलवाया गया, और तुलवाने में एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ आलोक के पिता। पेड़ तो काट दिया आप लोगों ने, लेकिन जड़े नहीं उखाड़ पाए। रिश्ता जिंदा था मिस्टर राठौर। झूठ है ये? सच है ये। जिस रात आलोक की शादी होती है ठीक उससे एक दिन पहले उसकी प्रेमिका गायब हो जाती है। इत्तेफाक और साजिश में बहुत बड़ा फर्क होता है मिस्टर नारायण राठौर। मेरे और गजेंद्र रघुवंशी के बीच साफ साफ बात हुई थी कि उनके बेटे आलोक और मेरी बेटी प्रगति के बीच कुछ नहीं हो सकता। बच्चों की गलती थी जो माफ की गई थी। मम्मी पापा, आप लोगों से कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो प्रगति। प्रगति और आलोक ने एक साथ अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता दिया था, और ये भी बता दिया था कि उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया है। क्या हुआ पापा? गलत हुआ प्रगति, बहुत गलत हुआ। गजेंद्र रघुवंशी के बेटे के साथ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चुन चुन कर तुझे नारायण ठाकुर की लड़की मिली और कोई नहीं। क्या खराबी है? हाँ पापा, आलोक पढ़ा लिखा है, डिसेंट है, जॉब भी करता है, और हमारा कास्ट भी एक ही है। हमारे और रघुवंशी परिवार के पुरखों का गांव भी एक ही है, और एक गांव के लड़का लड़की के बीच में सिर्फ एक रिश्ता होता है, राखी का। भाई लगता है वो तुम्हारा? भाई कैसे हुआ पापा? एक ही गांव के है तो भाई बहन हो जाएंगे। भूपेश समझा जा रहे इस जाहिल को। आलोक एक गांव के होने के साथ साथ हम एक गोत्र के भी है, और एक गोत्र में शादी हो ही नहीं सकती। भैया ये सब दकियादूसी बातें हैं बाबा आदम के सबारे की। जमाना है तो हम हैं प्रगति। पर पापा हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, और मैं प्यार करती हूँ आलोक से। जिसे तू प्यार कह रही है ना, वो इस घर की बर्बादी लेकर आएगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हो पापा? क्योंकि गोत्र को लेकर हमारा हुक्का पानी बंद हो जाएगा बिरादरी में। फिर नमिता की शादी नहीं होगी, मुझे कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिलेंगे। पापा आप सिर्फ गोत्र की बात को लेकर खिलाफ है ना? नहीं, गोत्र तो तुझे सिर्फ उस घर में जाने से रोक रहा है, गोत्र से ज्यादा दिक्कत तो मुझे उस परिवार से है। पर क्यों? क्योंकि वो क्रिमिनल का परिवार है। गजेंद्र रघुवंशी के ऊपर मर्डर का मुकदमा चल रहा है। पर आलोक पर तो कोई केस वेस नहीं है ना? आलोक शादी दो लोगों के बीच नहीं, दो परिवारों के बीच होती है। अरे एक से एक परिवार है जो हमारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। लड़कियों की लाइन लगा दूंगा मैं तेरे लिए, तू कोई भी लड़की चुन ले, हम हाँ कह देंगे। बस ये नारायण राठौर की लड़की का मामला अभी और इस वक्त दफन कर दे। बच्चों से अनजाने में गलती हो गई गजेंद्र जी। आप ठीक कह रहे नारायण जी, हमें भी वही लगता है। शायद गलती हमारी है, परंपराएं और संस्कार ठीक से सिखा नहीं पाए अपने बच्चों को। देर से पर दुरुस्त है नारायण जी, मैंने आलोक को अच्छी तरह समझा दिया है। आप अपनी बेटी का देख लीजिए। उस रात के बाद परसों रात को मेरी गजेंद्र से बात हुई, जब मैंने फोन करके उनसे पूछा कि प्रगति उनके घर में तो नहीं है। एक मिनट,
अभी आपने कहा कि आलोक और प्रगति के बीच कुछ नहीं था, रिश्ता टूट चुका था, फिर आपने आलोक के पिता को फोन क्यों किया? क्योंकि आप लोगों ने राग छेड़ा कि उसका कोई चक्कर चल रहा है। बेटी आपकी गायब है, बात आप हमसे छिपा रहे हैं और विलेन हमें बता रहे हैं। और जहां तक बात है राग छेड़ने की, तो अभी तो हमने उसकी शुरुआत की है मिस्टर राठौड़, अब हर प्रकार का राग छेड़ेगा आपके नाम का भी। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है मिस्टर राठौड़ कि लड़की की, घर की परंपरा की इज्जत रखने के लिए घर की लड़की को जबरदस्ती घर से विदा कर दिया जाता है, और कभी कभी तो दुनिया से। सर, प्रगति और आलोक के कॉल रिकॉर्ड साफ दिखाते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के टच में थे। प्रगति के गायब होने से एक दिन पहले यानी 7 मार्च तक मैक्सिमम कॉल्स और एसएमएस एक्सचेंज हुए दोनों के बीच। कुछ टूटा उटा नहीं था। रिश्ता कोई चॉकलेट थोड़ी ना होता है कि एकदम बीच में से थोड़ा और दोनों को बराबर बराबर हिस्सा मिल गया। प्यार और नफरत कभी 2+2 नहीं हो सकता। हमें आलोक रघुवंशी से बात करनी है। आलोक तो घर पे नहीं है सर। तो कहीं और होगा। कहाँ है? सर, आप उससे क्यों बात करना चाहते हैं? आप उसे हमसे छिपाना क्यों चाहते हैं? सर जी, हम आलोक को क्यों छुपाने लगे भला? उसकी तो अभी कल ही शादी हुई है। अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए मायके गया हुआ वो। कहाँ है आपकी बहू का मायका? यही पास में है सर। वैसे सर, आप यहाँ प्रगति राठौड़ के केस को लेकर आए हैं। और भी गड़े मुड़ते हैं क्या इस घर में? सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैंने नारायण राठौड़ को साफ साफ कह दिया था कि उसकी बेटी प्रगति यहाँ नहीं है और आलोक के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा, उन्होंने सुन लिया, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि वो सच हो। आलोक की शादी हमने बहुत टेंशन में की। उस लड़की प्रगति ने उधम मचा रखी थी हमारी जिंदगी में। किस बात को लेकर? उसने ठान लिया था कि वो किसी भी हाल में आलोक की शादी ना होने देगी। सर, मेरे बेटे ने अपनी तरफ से सब साफ कर दिया था, उसके साथ पूरा रिश्ता खत्म कर दिया था, लेकिन ये लड़की थी कि बस ड्रामे के बाद ड्रामे करती चली जा रही थी। ड्रामे का पर्दा गिरा और लड़की फुर से गायब। सर, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं। चलो मान लेते हैं आपका कोई हाथ नहीं, पर आलोक का दिल तो है, इसलिए ये सवाल हम उसी से करना चाहते हैं कि अगर रिश्ता टूट गया था तो शादी से 2 दिन पहले उसके और प्रगति के बीच इतने सारे फोन कॉल्स और एसएमएस क्यों? दोनों परिवारों पर खबरी लगा दो और इस आलोक की खबर तो हम खुद लेंगे। जी सर। मुझे डर है कि प्रगति के साथ कहीं कुछ हुआ ना हो, कुछ किया ना गया। उम्मीद करता हूं कि कहीं हमें देर ना होगी। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं अभी आता हूं। अरे लेकिन नाश्ता जहां कर रहे हैं आप? पापा भैया, मेरे यकीन कीजिए, मेरा प्रगति के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। उल्टा उसके दोस्तों ने मुझे बताया कि वो मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही है। प्लान? कैसा प्लान? उसने मुझे धमकी दी कि वो शादी में आके सब कुछ खराब कर देगी, पर अगर कुछ भी नहीं हुआ तो। तो क्या आलोक, पूरी बात बोल। तो वो मुझे मार देगी पापा। मिलने जुलने का तो हम पता करेंगे, लेकिन पिछले 9 महीने में शादी के 2 दिन पहले तक डेली तुम्हारी फोन और एसएमएस पर बातें हुई हैं। तो फिर ये सहेलियों के थ्रू फिल्मी धमकियां क्यों दी गईं? सर, एक बार जब हमारी फैमिली ने हमें ना बोल दिया था, उसके बाद फोन कॉल्स पे एसएमएस पे जितनी भी बातें हुई हैं उसमें मैंने सिर्फ उसे यही समझाया कि अब सब भूल जाओ। उसने मेरी बात सुनी नहीं सर कभी। एक बार हमारी शादी हो जाएगी ना आलोक, तो हमारी फैमिली अपने आप मान जाएंगी। चलो एक मिनट के लिए मान लिया कि हमारी फैमिलीज मान जाएंगी, लेकिन ये बिरादरी कभी नहीं मानेगी। अरे हम लोग तो कहीं भी जाके मुंबई दिल्ली अपना मुंह छुपा लेंगे, लेकिन हमारी फैमिलीज वो अपना मुंह कहाँ छुपाएंगी? ब्रेक ऑफ करना चाहते हो? हमारे दिल का ब्रेकअप तो कभी नहीं हो सकता, पर क्या हम अपनी फैमिलीज को ब्रेक करके एक रह पाएंगे? देखो, हम लोग माने या ना माने, लेकिन ये गोत्र, ये गाँव, ये बिरादरी, ये सब मायने रखता है। तो तुमने मेरा नाम पूछने से पहले मेरा गाँव या गोत्र क्यों नहीं पूछा? आलोक, ये प्यार है, कोई ड्रेस या शर्ट नहीं है ना कि फिट नहीं आ रही तो शॉपिंग मॉल में लौटा दी।
जरा सी मैली हो गई, फट गई तो रख दिया कबर्ड के अंदर हमेशा के लिए। लेकिन अगर वो शर्ट या ड्रेस फिट ही ना आए तो तुम क्या करेंगे प्रगति? हम उसे नहीं पहनेंगे ना, उसे कबर्ड में ही रख देंगे। वो चाहे मैली ना हो, चाहे फटी ना हो, वो रहेगी तो कबर्ड में ही, और हम दूसरों की तरफ एक नई शर्ट ला के पहन लेंगे जिसकी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट। तुम किसी और के पास जाने की बात कर रहे हो? किसी और की आंखों में देख सकोगे एक सेकंड के लिए भी? किसी और की सांसें, किसी और की हंसी, किसी और के सपने देख सकोगे? मुझसे तो नहीं होगा, नेवर। समझ के टच में इसलिए था क्योंकि मैं उसको अपने से दूर करने की कोशिश कर रहा था। तुमने उसे अपनी शादी वाली बात बताई थी? हाँ सर, मैंने ही बताया था। तुम उसे देखने गए थे? तुमने हाँ कहा? उसका नाम प्रीति राणा। सुंदर है, फैमिली को पसंद है। और तुम्हें धोखा किया तुमने मेरे साथ, ये सरासर चीटिंग है। प्रकृति, चीटिंग होती तो मैं शादी के बाद बताता ना। और चीटिंग नहीं होती तो एक बार पकड़ा हुआ हाथ छोड़ के नहीं जाते। ये तो हमारे हाथ कट जाते, हमारे परिवार बढ़ जाते, हम इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? और हम दोनों के परिवार वाले, ये समाज में हमारे सब खुदगर्ज हो सकते हैं ना? हम तो मायने ही नहीं रखते, पूरी लाइफ रो रो के निकालेंगे क्या? मैं मानता हूँ किस्मत ने हमें बहुत घाव दिए, लेकिन उसको भरने के लिए इतनी बड़ी जिंदगी भी तो दी है ना। चलता कर ला। शर्मारा मैंने पहल की थी, प्रगति का दिल जीता था, लेकिन ये गांव और गोत्र की बात मुझे मालूम नहीं थी सर। प्रगति को भुलाना मेरे लिए भी उतना ही मुश्किल है। भुलाने की कोई खास कोशिश नजर तो नहीं आ रही, क्योंकि ब्रेक ऑफ के बाद भी तुम उससे बराबर मिलते रहे। नहीं नहीं सर, सर मैं तो उसे डर के मारे मिलता था। किसका डर था? सर डर था कि वो खुद के साथ कुछ करना बैठे, या फिर मेरे साथ। सर वो समझदारी खो बैठी थी, ब्रेकअप एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। उसे पता था कि तुम्हारी शादी 9 मार्च को है? हाँ सर, और सर उसने धमकी भी दी थी कि वो शादी में आके हंगामा करेगी। सिर्फ 2 दिन बचे। हाँ। मुझे इनवाइट कर रहे हो? सिर्फ बताने आए। जला रहे हो? देखो जो सच है मैं तुम्हें सिर्फ वही बता रहा हूँ। सच्चाई तो ये है कि तुमने मेरा भरपूर इस्तेमाल किया और फैमिली के नाम पे मुझे कुछ जगह फेंक रहे हो आलोक। यूज एंड थ्रो, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो दुनिया को तय करने दो ना, मैं बिना इनविटेशन आऊंगी तुम्हारी शादी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, ये सब करके तुम अपनी और मेरी दोनों की जिंदगी डैमेज कर दोगी। मैं तो ऑलरेडी डैमेज्ड हूं, तुमने जो डैमेज किया है मुझे, और सबको ये बात बताना जरूरी है ना? प्रगति देखो तुम ये सब नहीं करोगी। वो तो शादी के दिन पता चलेगा, तुम्हारी वो प्रीति शीति जो भी उसका नाम, उसे भी मैं बताऊंगी कि तैयार रहो बेबी, आलोक आएगा तुम्हें यूज करेगा और फिर आगे बढ़ने कहेगा। देखो देखो मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। कोई जरूरत नहीं आलोक। अच्छा चलो नहीं आती तुम्हारी शादी, सच, लेकिन तुम मेरे मरने के बाद मुझसे मिलने नहीं आओगे, प्रॉमिस। प्रगति। क्या प्रगति? प्रगति सुसाइड नोट पे मैं तो साफ लिख दूंगी कि सबकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम मिस्टर आलोक रघुवंशी, हमारे SMS, ईमेल सब कुछ सेव्ड है। हनीमून तुम जेल में बिताना मेरी यादों के साथ। नहीं नहीं नहीं, नहीं प्रगति, देखो मैं यहाँ पे फाइनली बात करने आया था, हमारी रिलेशनशिप की हैप्पी एंडिंग करने आया था। हैप्पी एंडिंग? मैं तो तुम्हारी मैरिज की हैप्पी बिगनिंग भी नहीं होने दूंगी, जी कर मर कर या फिर मार कर, मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। सर प्रगति के साथ मेरी आखिरी बार बात 8 तारीख हुई थी, तब भी उसने मुझे धमकियां दी, उसके बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। सर प्रगति मुजफ्फरनगर क्यों गई? पता नहीं सर। तुम्हारा या प्रगति का मुजफ्फरनगर के साथ कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, मेरा तो नहीं है, और प्रगति ने भी कभी जिक्र नहीं किया। क्या ऐसा हो सकता है कि प्रगति के फादर नारायण राठौड़ को इस बात का पता चल गया हो कि प्रगति तुम्हारी शादी में आकर हंगामा करने का प्लान कर रही है, तो उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रगति के साथ कुछ कर दिया हो? सॉरी सर, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सुसाइड क्या होगा सर? सर मैं बस इतना विश करता हूँ कि वो ऐसा कुछ ना करे, वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मुझे अपनी जिंदगी में खुश रहने दे। सर अतीत के कर्मों के सपोले अक्सर वर्तमान में अपना फन उठाते हैं और अक्सर ये डसते हैं किसी और ही निर्दोष को। आलोक का अतीत नई दुल्हन प्रीति की जिंदगी में जहर घोलने जा रहा था।
ये जहर आलोक और प्रगति से जुड़े हर घर में फैलने वाला था। प्रगति के अतीत के सारे पन्ने अब पुलिस के सामने खुल चुके थे, लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ऐसे पत्ते खुले जिसने पुलिस को भी चौंका दिया। जनाब, इस आलोक रघुवंशी की एक गाड़ी है। हाँ मालूम है हमें। इस गाड़ी में कुछ अटपटा है। मंसूर साफ साफ बोल, क्या अटपटा लगा? इस आलोक का एक चाचा है बलदेव रघुवंशी, 9 मार्च को उसका लड़का विकास ये गाड़ी लेकर कहीं गया था। आलोक की उस गाड़ी को बड़ी हड़बड़ी में उन लोगों ने घर से दूर कर दिया, अभी भी किसी गैराज में पड़ी है। गैरेज का नाम और एड्रेस बोल। नमस्ते सर, आप यहाँ कैसे? कुछ लीक हुआ, बुआई। बुआई? कोई विकास रघुवंशी यहाँ अपनी व्हाइट कलर की गाड़ी छोड़कर गया है। नंबर है UP XX622M। वो खड़ी है सामने सर, क्लीनिंग के लिए आई है। क्या क्या क्लीन हुआ अभी तक? सर अभी तक तो एक हाथ भी नहीं मारा है। हम हाथ मारते हैं। क्या क्या साफ करने के लिए कहा था उसने? सर अंदर से पूरा क्लीन और फुल सर्विस करने को कहा था। विकास को फोन लगाओ, कहो कि गाड़ी रेडी हो गई, आगे ले जाए। ऐसी भी क्या जल्दी थी कि शादी की रात दूल्हे की कार सर्विसिंग के लिए ले गया? तो मुझे कुछ नहीं पता सर, जैसा मेरे पापा और बड़े पापा ने कहा मैंने तो बस वैसा ही किया। लेकिन हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। वैसे बता दूं, यहां भी सर्विसिंग बहुत अच्छी होती है और जरूरत पड़े तो सफाई भी बहुत अच्छी तरह करते हैं, कभी कभी तो पूरी तरह से साफ कर देते हैं। मैं सच कह रहा हूं सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। बड़े पापा ने कहा कि अभी के अभी गाड़ी लेके जाओ और साफ करा दे, इसलिए मैं उसे हरप्रीत सिंह के गैराज लेके गया। प्रीति आलो, ये प्रगति राठौड़ कौन है? अतीत है, जो हमारे आज में कभी दखल नहीं देगा। आई प्रॉमिस। वापस लो अपना प्रॉमिस, क्योंकि ये प्रगति हमारी जिंदगी में अब आ चुकी है। क्या मतलब? मतलब तो कोई बन ही नहीं रहा। हम लोग हनीमून पे तो जा रहे हैं, लेकिन आलो मेरा जी बहुत घबरा रहा है। तुम इतना सोचो मत, मैंने पैकिंग कर ली है ऑलमोस्ट। तुमने कर ली? हाँ कर तो ली है, पर पता नहीं ऐसा लग रहा है कि पर तू जा कहाँ रही है? बस एक छोटा सा काम है लेकिन इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को दोपहर 2 बजे प्रगति ने लेक्चर्स बंक किए और जाकर आलोक से मिली। मुझे अब भी यकीन नहीं। कल है ना शादी? हाँ। एक्साइटेड हो? देखो प्रगति, कल फाइनल बात हमने नहीं, तुमने। ठीक है, मैंने की थी, लेकिन आज तुमने मुझे यहाँ बुलाया है और मैं यहाँ आया हूँ, और आज ये फाइनल है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। ये सब तुम बोल रहे हो, मैं तो सुन भी नहीं रही हूँ। देखो तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। क्यों? जबरदस्ती करने का परमिशन सिर्फ तुम्हें है? भूल गए किस तरह जबरदस्ती मुझे इसी गाड़ी में बिठाया था? जबरदस्ती मेरे दिल में आके बैठ गए? देखो मुझे सब याद है, सच्चा प्यार किया है तुमसे और करता रहूंगा, लेकिन हम एक नहीं हो सकते हैं। कूल, नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर तुमने किसी और के साथ एक होने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें और उसे दोनों को आधा आधा कर दूं। कार्ड्स बांटने जा रहे हो ना? चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ, देखते हैं कब तक तुम ये शादी वादी का ड्रामा करते हो।
बेटा बाहर बुलाया तुम्हें, पुलिस आई है। तो आठ मार्च आओ, 8 मार्च को प्रगति के साथ तुम्हारी फोन पर एक बार बात, ऐसा कहा था ना? हाँ सर। गलत, क्योंकि 8 मार्च को तुम्हारी प्रगति के साथ सिर्फ फोन पर बात नहीं हुई थी बल्कि तुम उससे मिले भी थे और वो तुम्हारी आखिरी मीटिंग थी उसके साथ, क्योंकि तुम तो क्या उससे कोई भी नहीं मिल पाएगा, सच कह रहा हूं ना? सर वो खून चूस रहे थे मेरा। बड़े वो हो तो, तुम्हारी चाची बुआ कितने सारे रिश्तेदारों के घर गए, लेकिन तुमने मेरा कहीं पे भी ढंग से इंट्रो नहीं करवाया। अब बस करो प्रगति। मेरे लिए कुछ बस बस नहीं आलोक, इनफैक्ट मेरे बस में जो कुछ हो सकेगा ना मैं सब करूंगी, तुम्हारे और उस प्रीति के पीछे भूत की तरह पड़ जाऊंगी, तुम दोनों की जिंदगियों में ऐसा कोलाहल मचाऊंगी कि एक रात भी चैन से नहीं सो पाऊंगी। गाड़ी सुधर। नहीं, तुम गाड़ी स्टार्ट करो। सर मैं कंट्रोल से बाहर चला गया था, मुझे मेरी आंखों के सामने मेरी बर्बादी दिखाई दे रही थी सर, मेरी फैमिली की बेइज्जती दिखाई थी, प्रीति की हालत दिखाई दे रही थी सर, दिमाग में एक तार से टूट गई थी सर। तो गजेंद्र रघुवंशी, आप ये पहले से जानते थे कि आपके बेटे ने क्या किया? 8 मार्च की रात को प्रगति के पिता नारायण ने जब आलोक के पिता गजेंद्र को प्रगति की जानकारी के बारे में फोन किया था, उसी रात गजेंद्र को प्रगति की असलियत का पता चल गया था। पापा, भैया, मुझसे गलती हो गई। गलती मतलब? प्रगति से ब्रेकअप के बाद भी मैं प्रगति से मिलता रहा, वो मुझे धमकाती आई है मिलने के लिए, परेशान कर रखा था उसने मुझे। तू जानता है वो कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। कहाँ? लाश कहाँ है? जंगल में फेंक दी। कैसे मारा? कहाँ मारा? तो आपने और आपके भाई बलदेव रघुवंशी ने आपके भतीजे विकास को अगले दिन गाड़ी साफ करवाने के लिए भेज दिया। सर अगले दिन हमें ख्याल आया कि गाड़ी साफ करवा देनी चाहिए, इसलिए हमने विकास को भेज दिया। तुमने लाश को जंगल में कहाँ फेंका? भले कर चलो हमें। सर मैंने लाश को जंगल में फेंका ही नहीं, मैंने कहीं भी नहीं फेंकी। तो फिर लाश कहाँ आना? सब लोग मंदिर गए हुए थे तो मैंने। प्रगति की लाश कहाँ है आलोक? प्रगति की लाश यही है। आलोक ने कबूल किया कि उसने प्रगति का फोन मुजफ्फरनगर के पास स्विच ऑफ करके फेंक दिया था। प्रीति, प्रीति दरवाजा खोलो बेटा, बेटा तुम्हें मेरी कसम दरवाजा खोलो। आलोक की नई नवेली पत्नी प्रीति शौक के परे चली गई थी, प्रगति की सच्चाई उसे काफी भयंकर तरीके से पता चली थी। प्रगति के परिवार को दर्द और मायूसी के खामोश कोलाहल ने घेर लिया है, वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी बेटी इस तरह की धमकियां दे सकती थी, इस तरह ऑब्सेसिव पजेसिव हो सकती थी। आलोक रघुवंशी के पिता गजेंद्र, बड़ा भाई भूपेश, चाचा बलदेव और चचेरा भाई विकास सभी इस बात को जानते थे कि आलोक ने अपनी शादी के एक दिन पहले अपनी प्रेमिका प्रगति का कत्ल कर दिया था। एक रिश्ता खत्म होता है तो जिंदगी खत्म नहीं होती, एक रोमांटिक रिश्ते का टूटना ना तो इंसान को निकम्मा साबित करता है और ना ही छोटा,
एक ब्रेकअप बस एक इशारा होता है कि जिंदगी में रोमांस के परे भी और कई खूबसूरत तोहफे हैं जिन्हें हमें पहचानना है, खोलना है और उनका पूरा लुत्फ उठाना है। रंजिशें, नफरतें, अधूरे रिश्ते, ये सभी दिलो दिमाग में नासूर बनकर छेद कर देते हैं जो होने देने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। एक प्रेमी की दर्दनाक दगाबाजी हो या तकदीर का क्रूर मजाक, चाहे कितना भी डिप्रेशन हो, गुस्सा हो, लेकिन इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये एक फेज है, एक दौर है और हर दौर बीत जाता है। किसी भी सूरत में वो दौर, वो यादें, वो दर्द किसी की जिंदगी से ज्यादा अहम नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में शुक्रवार को रात 10:30 बजे। तब तक सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।